लॉकडाउन 4 के अंतिम दिन भूतपूर्व एनसीसी कैडेट के द्वारा रेलवे स्टेशन पर आ रहे प्रवासी श्रमिकों को मास्क, साबुन, नमकीन और लंच पैकेट वितरित किए गए। इस संबंध में पूर्व एनसीसी कैडेट पंकज शुक्ला ने बताया कि सभी पूर्व एनसीसी बटालियन का ग्रुप बना है। हम सभी ग्रुप के द्वारा पैसा इकट्ठा करके सेवा भाव से स्टेशन पर अन्य जनपदों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों को मास्क, साबुन, नमकीन और लंच पैकेट दिए जा रहे हैं, जिससे श्रमिकों को थोड़ी सी मदद हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भूतपूर्व एनसीसी कैडेट पंकज कुमार शुक्ला ने कहा, बलिया वाले 32वें 51-52 इधर लगी है, इधर आ जाओ 8-9-12 में, 8-9-12 में जाओ पटौना चांदौली मऊ वाले 11 नंबर में जाए, घोषी को पापा गाजीपुर 11 में जाए, जहाँ जहाँ तक जा रहे बनारस तक, बनारस फुल हो गया है, 18 नंबर दे दिए, बनारस वाले 18 में जाओ, जाओ 18 में इधर है, लालगंज देवगढ़ चंदवा काजमगढ़ बनारस चले जाए, जौनपुर इसको थोड़ा देख रहे बुखार है हल्का सा, सिद्धार्थनगर जाइए 23 में। मेरा नाम पंकज कुमार शुक्ला है, 4 एनसीसी बटालियन के एक्स कैडेट हैं। हम लोग यहाँ पे सेवा भाव करने के लिए हमारा एनसीसी ग्रुप बना हुआ है, गोरखपुर ग्रुप। हम लोग उस ग्रुप की तरफ से सब डोनेट करके पैसा इकट्ठा करके कैडेट्स अपनी खुद सेल्फ सर्विस दे रहे हैं। हम लोग जनता को मास्क, साबुन है, मास्क है, साबुन है, बिस्किट है, नमकीन है और पानी है, ये हम लोग एक एक करके जाने वाले सभी को हम लोग बांटवा रहे हैं। ये गोरखपुर 44 ग्रुप बटालियन एनसीसी तरफ से बांटा जा रहा है हम लोग तरफ से। सर आज हम लोग सुबह से बांट रहे हैं, 3-4 जगह और बांट चुके हैं और पिछले हफ्ते में भी बांट रहे थे हम लोग, कॉलोनियों में बांटे थे हम लोग, कहे दलित कॉलोनी है जैसे, और भी आगे काम और आगे शुरू किए हैं, कार्यक्रम आगे चलता रहेगा कंटिन्यू हम लोगों का। ये